जो बड़ा अच्छा साल है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट 3 पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। यार अब बात आ गई है नॉट की। एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 and 6। यार 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 बिल्कुल तब्दील हो गई। यूनिट डिजिट पे तो हम 6 के 6 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी। अब जो नंबर यूनिट डिजिट पे आ गया, क्या वो 10 डिजिट पे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो 10 डिजिट के लिए कितने नंबर बचेंगे? 5। फर्स्ट करो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, लेट्स सपोज, जैसे कि कहते हैं ना यहाँ 2 आ गया यहाँ 3 आ गया, तो 10 डिजिट नंबर के लिए अब 2 और 3 तो नहीं आ सकता, बाकी के 4 नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है ये समझ लो यहाँ 6 ही आ गया, ये इस तरह ही समझ लो यहाँ 5 आ गया, तो अब यहाँ 1, 2, 3, 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउ होती है तो उसमें ऐसे नंबर भी आ जाते हैं जैसे कि फर्ज करो 111, 222, लेकिन यहाँ अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, 6, 5 सा 30, 34 सा, हाँ जी कितना होगा? 1200, 120। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी बात ये देखी कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड और डिजिट कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। बड़ा ही प्यारा सवाल, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट 3 पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 0। यस, तब्दीली यहाँ इस केस में क्या इंक्लूड हो गया बच्चों? 0 इंक्लूड। ओके, इससे पहले जब थे तो 0 इंक्लूड नहीं था, हाँ रिपीटेशन अलाउ है। वेल 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 बच्चों, एक बड़ी अहम बात है, अगर मैं एक नंबर लिखूं 032, ये 2 डिजिट नंबर कहलाएगा या 3 डिजिट? 2 डिजिट, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए इट्स ओके, जैसे कि 230 है, यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है, लेकिन 100 डिजिट पे 0 आएगा तो फिर वो 3 डिजिट ही नहीं रहा, वो तो 2 डिजिट हो गया। यानी कि बोले तो अब 100 डिजिट पे सिर्फ 5 नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर आ सकते हैं 0 के अलावा, बाकी 5। लेकिन चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, कैन बी रिपीटेड, तो 10 डिजिट पे तो 6 के 6 आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, और यूनिट पे भी सारे आ सकते हैं, तो 6, 6 36, 36, 5 180 इज योर आंसर, कोई भी आ जाएंगे ना 1, 2, 3, 4, 5 में से। भाई बड़ा अच्छे सवाल है, एज्यूमिंग दैट डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 0। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, किस पे फोकस है? नॉट पे। अब देखो दो बातें, 0 भी आ गया और नॉट भी आ गया भाई, 100 डिजिट पे तो कोई से भी 5 नंबर आ जाएंगे, कौन से 5? अरे 1, 2, 3, 4, 5, यार 0 तो नहीं आ सकता। अब फर्ज करो यहाँ कोई एक नंबर आ गया, 5 आ गया, तो दोबारा नहीं आ सकता, तो क्या आएंगे? बाकी के 5 नंबर, बाकी के 5 क्यों? क्योंकि अब 0 भी आ सकता है, यहाँ तो आ सकता है ना। अच्छा जी, अब फर्ज करें यहाँ 2 आ गया यहाँ 3 आ गया, ठीक है 2 नंबर ये आ गए, तो अब ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 और 3 के अलावा बाकी 4 आ सकते हैं, तो टोटल कितने डिजिट आ सकते हैं? 4। यानी कि हम कहेंगे कि 5, 5 जा 25, 25, 4 जा 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 100। किसका करेक्ट आंसर होगा 100? जब 0 भी इंक्लूड होगा और डिजिट नॉट अलाउड, ठीक है ना। फिर वही बात यार, यहाँ एक नंबर आ गया 2, ठीक है, यानी 2 के अलावा भी आ सकता था ना, 0 के अलावा कोई भी 5 नंबर आ सकता है। अब जो नंबर यहाँ गया वो यहाँ नहीं आएगा 10 डिजिट पे, 0 समेत बाकी 5 नंबर आ सकते हैं। अब एक नंबर ये और एक नंबर ये दोनों जो आ गए हैं तो यहाँ क्या आ सकते हैं? ये दोनों नहीं आ सकते, तो
कितने बचे? 96। तो 5 5 25 25। बड़ा अच्छा सवाल है। अज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड की बात है, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1111111। यार देखो, अब तो सिर्फ 1 1 मौजूद है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ कर दी है एग्जामिनर ने, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 ही आ सकता है, 1 के अलावा तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, सारे 1 ही दिए हैं। 10 डिजिट पे भी क्या आ सकता है, 100 पे भी क्या आ सकता है 1, और वैसे बनेगा क्या ये नंबर 111, यानी एक ही नंबर बन सकता है, तो आंसर 1 × 1 × 1 क्या होगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि दिया वही क्या था बच्चों। अगला केस और ज़्यादा धुआंधार। Assuming that digit cannot, जनाब नॉट आ गया, बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1111 and 1। जनाब जनाब जनाब, अगर यूनिट डिजिट पे 1 आ गया तो 10 पे तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता भाई, एक दफ़े ही आ सकता है ना, तो 10 डिजिट पे क्या आएगा 0, यानी कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई नंबर बन ही नहीं सकता ना भाई। भाई देखो ना, 1 1 ही मौजूद है, ये 1 या तो यूनिट पे आएगा या 10 पे 100 पे, तीनों पे तो नहीं आ सकता, इसका मतलब 3 डिजिट नंबर बन ही नहीं सकता। जब खाली 1 1 दिए हों और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो करेक्ट आंसर होगा 0। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है इंटीजर प्रॉब्लम। अज्यूमिंग दैट डिजिट कैन बी रिपीटेड, बात हो रही है रिपीटेड की, हाउ मैनी डिफरेंट थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर 1 2 3 4 5 and 6। अब आखिर ये थ्री डिजिट नंबर होता क्या है? देखो, अगर बात 1 2 3 4 की हो या हमारे यूनिट डिजिट क्या लाते, 10 20 30 की हो तो 10 डिजिट क्या लाते। टू डिजिट नंबर में खाली यूनिट और 10 की बात होगी, लेकिन यहाँ तो थ्री डिजिट की बात हो रही है, तो 100 भी आएगा, यानी 100 200 300। अब डिजिट रिपीटेड होने का मतलब ये है कि जो नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी यूनिट डिजिट में आ सकता है, कोई सा भी बोले तो, यानी 6 के 6। अब 10 डिजिट पे कौन आएगा? सारे 6 अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं होती तो जो यूनिट पे आ गया था वो 10 पे नहीं आता। लेकिन अभी तो कह रहे हैं हाँ जी, डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ, तो भाई यहाँ भी सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, फर्ज करो 4 यहाँ आ गया तो यहाँ भी आ जाए, तो 100 पे भी आ जाएगा, जी हाँ इस पे भी आ जाएगा, तो 6 × 6 36 × 6 260। हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 216। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।